हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड आज आई एम गोइंग टू रिव्यू आई लाइनर फॉर यू गाइज, जो है शुगर कॉस्मेटिक्स का। ये है वो आई लाइनर, जो बॉटल है वो ही बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। एंड दिस इज़ माई फेवरेट शेड, तो मैंने अभी इसको लगाया हुआ है। आई डोंट नो इफ यू गाइज कैन सी प्रॉपरली, आई थिंक नाउ यू गाइज कैन। तो ये जो शेड है वो है पर्पल शेड, इट्स इज 04 पर्पल हेज, एंड दिस इज़ देयर रेंज ऑफ बोन टू विंग जेल आई लाइनर। तो ये जेल आई लाइनर है। जो बॉटल है वो बहुत प्रिटी है। मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तब उसमें कोई ऑफर चल रहा था, सो आई गॉट 3-4 थिंग्स टुगेदर। एंड शॉप से बाय करने से बेटर था कि आप ऑनलाइन बाय करें तो थोड़ा सस्ता मिल रहा था, सो दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर ऑनलाइन ऑर्डरिंग। इफ़ आई कैन डिसाइड समथिंग देन आई गो टू द शॉप एंड आई यू नो सी हाउ इट इज़ एंड देन आई बाय ऑनलाइन। सो दैट्स ऑल व्हाट आई डू नॉर्मली। यू नो व्हेन वी कम टू द पैकिंग ऑफ दिस, तो ये मुझे बहुत ही क्यूट लगता है। जेल आईलाइनर है ये, तो यू नो ट्रैवलिंग के लिए भी अच्छा है कि आपको यू नो जो लिक्विड वाले होते हैं वो कई बार, एक बार तो मेरा टूट चुका है, तो इसलिए ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत सही है। चाहिए था जेल आईलाइनर क्योंकि ये स्मज प्रूफ होते हैं। एंड आई कैन से यू नो आई कैन वाउच फॉर दैट कि जो ये आईलाइनर है वो एक बार अगर आपने लगा लिया तो वो बस लग जाता है, वो इधर उधर बिल्कुल फैलता नहीं है। एंड बिलीव मी, मैंने अभी लगाया इसको एंड आई ट्राइड टू स्मज इट, बट वो स्मज नहीं हुआ। इवन विद ब्रश से मैंने स्मच करके देखा, तो यू नो आई कैन शो यू गाइज के भी लगा हुआ है। एंड इफ़ आई ट्राई टू स्मज इट, बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्मज इट अ लिटिल बिट, एंड मैंने तुरंत तुरंत किया था तो भी वो बिल्कुल स्मज नहीं हुआ। यू गाइज कैन सी बिल्कुल भी नहीं आता है, तो स्मज नहीं होता, बिल्कुल स्मज प्रूफ चाहिए। तो ये आईलाइनर बहुत अच्छा है उसलिए। एंड इट कम्स विद अ ब्रश, तो आप ऐसे इसको खोलते हैं तो ये ब्रश निकल आता है। और जो ये ब्रश है वो काफ़ी पॉइंटेड है, तो आराम से लग जाता है, आइस पे आपको दिक्कत नहीं होती है। कि अगर आप इसको थोड़ा मोटा भी लगाना चाहते हैं या पतला लगाना चाहते हैं उसके लिए परफेक्ट। देन व्हेन यू हैव टू ओपन द प्रोडक्ट इटसेल्फ, देन आप इसको ऐसे टर्न करके खोलते हैं एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ अंदर। ये ऐसा है जो मैंने यूज़ किया हुआ है। एंड आई वुड से कि ऐसा लगता है मुझे कि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा एंड जेल आईलाइनर हो भी जाते हैं, सो यू हैव टू बी केयरफुल। एंड आई विल सी, अभी मेरे को आई थिंक यू नो 4 मंथ्स हो चुके हैं जब मैंने इसको बाय किया है, अभी तक तो ये ड्राई नहीं हुआ है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो आई हैव टू सी ऑन दैट कि अगर ये ड्राई होता है। अदर देन दैट, जो इसका कलर पे ऑफ है वो बहुत अच्छा है। इफ़ यू गाइस कैन सी, अच्छा सा जो पर्पल शेड है वो आ जाता है, बहुत ही ईजी लगाने में, बहुत ईजी है। मुझे इसका ब्रश बहुत अच्छा लगता है। लिक्विड आईलाइनर जो होते हैं वो थोड़ा दिक्कत करते हैं कि हाथ भी हिल गया तो हट जाएगा, बट दिस इज़ नॉट लाइक दैट। एंड इफ़ यू वॉन्ट हल्का सा इसको ऐसे हटाएंगे तो वो यू नो अपनी जगह भी आ जाता है, अगर ज़्यादा केकी टाइप का अगर आपको लगे तो। इसको जैसे आई शो यू कि इसको ऐसे ओपन करते हैं एंड देन इफ़ यू टेक इट, ऐसे लेंगे अंदर से, तो ये ब्रश जो है पहले तो बहुत ही सॉफ्ट रहता है, बट क्योंकि इसमें जेल आईलाइनर लग चुका है तो थोड़ा सा ये टाइट सा ब्रश हो जाता है। एंड आई शो यू गाइस कि इसका जो शेड है वो कैसा आता है, तो दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड इफ़ आई कैन पुट इट ऑन हियर, तो लगाने में यू गाइस कैन सी जो इसका ब्रश का जो लेंथ है वो एकदम सही है, प्रॉपर लेंथ है। तो कभी भी यू नो आपके हाथ में कंट्रोल काफ़ी रहता है जब आप इसको लगाते हैं, तो उस हिसाब से ये बहुत सही है। एंड इसको बहुत आराम से आप लगा सकते हैं एंड आई लव इट। और आप एक बार इसको लगाएं एंड देन आप दिन भर उसको आराम से भूल सकते हैं, आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि आपका आईलाइनर स्मज हो रहा है। आई हैव ओनली इन वन शेड, बट आई थिंक ये और भी शेड में आता है एंड आई वुड रियली लाइक टू बाय जो इसके और भी शेड हैं। एंड आई बॉट अदर जो इसके प्रोडक्ट हैं इसके साथ, लिपस्टिक ऑल्सो आई बॉट, सो आई यू नो रिव्यू दैट टू विद यू गाइज। दैट्स ऑल गाइज फॉर दिस आई लाइनर रिव्यू। बाय।